जैसे कि आप जानते हैं, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे वक्त गरीब, मुस्तहिक, मुसाफिर और दीगर कई लोग दरगाह, मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल और दीगर फुटपाथ पर अपना गुजारा करते हैं। इन लोगों को ठंड से परेशान होता देख सफा बैतुल माल ब्रांच गुलबर्गा ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिम्स, हॉस्पिटल, बंदनावास दरगाह के आसपास 250 के करीब ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सफा बैतुल माल की टीम हिंदू, मुस्लिम, हर मजहब के मुस्तहिक लोगों तक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम दिया है। सफा बैतुल माल गुलबर्गा शहर में पिछले 10 सालों से खिदमात अंजाम देते आ रहा है। एजुकेशन हेल्प, मेडिकल हेल्प, ट्रेनिंग सेंटर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मेहंदी डिज़ाइन, रमज़ान किट्स और दीगर कई काम अवामी ताउन से सफा बैतुल माल के जरिए किए जा रहे हैं। अगर आप भी सफा बैतुल माल को ताउन कर अवामी खिदमात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई मनियालिन, ओपन बेड, AC एंड नॉन AC लॉज, वाईफाई कनेक्शन फैसिलिटी, सेपरेट लॉकर, 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर, डिलक्स स्टे एंड मच मोर। एड्रेस सुपर मार्केट अपोजिट चेतन स्कूल गुलबर्गा। ये गुलबर्गा बस स्टैंड में गरीब लोगों के लिए ये बेडशीट ये दे रहे फ्री में। सपा बैतुल माल से ये समाज सेवा कर रहे हैं। ये मुस्लिम लोग ने हिंदू लोग को भी सब कास्ट को दे रहे हैं। सफा बैतुल माल शाह गुलबर्गा की जानिब से आज 28 नवंबर बरोज पीर रात 10 बजे के बाद सफा बैतुल माल के जिम्मेदारान खासतौर पर मौलाना वसुद्दीन साहब कासमी, अब्दुल वाहिद साहब रशादी और हमारे दिगर कारकुनान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मकामात का दौरा हुआ। रेलवे स्टेशन गुलबर्गा और बस स्टैंड और इसी तरह जिम्स हॉस्पिटल के पास भी जो मरीजों के साथ आए हुए कई परेशान हाल लोग थे, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वहाँ पहुँची और उनको तकरीबन जो है ना ब्लैंकेट तकसीम किए। और यहाँ ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास करीब में अतराफ अकनाफ बहुत से यहाँ अहबाब जो परेशान हाल जो है सर्दी के मौसम में सोए हुए हैं, जिनके पास बिस्तर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिस्तर जो है दिया गया और मुहैया कराया गया। पहले मरहले में तकरीबन 200 से ज़ायद ब्लैंकेट तकसीम किए गए। हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह और दूसरे तीसरे मरहले में भी और मज़ीद ब्लैंकेट तकसीम किए जाएं। हम गुजारिश करते हैं अहबाब से कि इस मामले में आप आगे आएं और ताउन करें। सफा बैतुल माल मुख्तलिफ मैदानों में काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेवाओं के वज़ाइफ हैं, टेलरिंग सेंटर हैं और बेरोज़गारों को जो है रोज़गार फराहम करना, और इसी तरह सर्दी के दिनों में ब्लैंकेट्स का ये काम भी बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में होता है। आप देखते हैं कि सर्दी बड़ी कड़ाके की चल रही है, ऐसे मौके पर जो है ना उनको गर्म बिस्तर मुहैया करना एक बहुत बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल ज़मीनी सतह पर उतर कर काम करने का शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक निज़ाम शुरू से रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके ताउन को कबूल फरमाए। सफा सदर मौलाना हजरत मौलाना नज़ीर अहमद साहब रशादी, सदर सफा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह से इस साल भी बहुत सारे मकामात पर, दवाखानों के पास, बस स्टैंड में और दरगाह के पास बहुत सारे गुरबा गरीब लोग जो बग़ैर बिस्तर के आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे ठंड में, अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल के ज़िम्मेदारान ने यहाँ पर पहुँच कर उनको बेडशीट मुहैया किया। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला बहुत सारे लोग इस काम में आगे बढ़ कर आना चाहिए और साथ साथ हमारे सफा बैतुल माल का ताउन भी फरमाएँ, क्योंकि ताउन के ज़रिए ही से ये काम आगे बढ़ सकता है। बस हम दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इन खिदमत करने वाले लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए।